अक्टूबर बहुत जुना से प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। उस रोज पहला प्रोग्राम जो होगा शाम 4 बजे दारुल यतामा में शेख रशीद साहब की दुआया तकरीब में शिरकत होने वाली है। दूसरा जो प्रोग्राम है शाम 5 बजे से 6 बजे तक के दबड़ो आयल मिल में तस्वीर नुमाइश का इफ्तिता, और ये नुमाइश जो है वो रात 9 बजे तक के चलेगी। उसी रोज़ तीसरा प्रोग्राम जो है शाम में 6 बजे असलम अंसारी साहब के मकान महबी नगर में शेख रशीद साहब के हाथों 100 लड़कियों को बुरका तकसीम का प्रोग्राम होने जा रहा है। उसी रोज़ चौथा प्रोग्राम जो है शाम 6:15 पर अजबा सोसाइटी की जानिब से जय हिंद बैंक के पास शेख रशीद साहब के हाथों दरख्त लगाने का प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद पांचवा जो प्रोग्राम है वो बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे अब्बास नगर चौक में शेख रशीद साहब के वजन के बराबर मिठाइयाँ और फ्रूट तकसीम किए जाएंगे। उसके बाद छठा प्रोग्राम जो है 7:30 पर रौनकाबाद मेन रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर वहाँ की आवाम की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल किया जाने वाला है। ये हो गए 7 अक्टूबर के प्रोग्राम। उसके बाद 8 अक्टूबर बरोज शनिचर के दिन जो प्रोग्राम है वो पहला प्रोग्राम होने वाला है। बरोज शनिचर 8 अक्टूबर दोपहर 12 बजे बिरादरान वतन की जानिब से अग्रसर भवन वर्धमान नगर में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम होने वाला है, और ये इस्तकबालिया पे प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी बरादरान वतन ने ली है। शेख रशीद साहब को इस्तकबाल करने वाले हैं। उसी रोज़ दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज असर था ईशा नौरंग कॉलोनी के पास 100 फीट रोड के रोड लोटस लॉन्स में शहर की तालीमी शख्सियात, बुजुर्ग शख्सियात, सियासी शख्सियात, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, वकला, बुनकर, बिजनेसमैन, ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक अफराद की जानिब से एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया शेख रशीद साहब को दिया जाएगा। ये है 8 अक्टूबर का प्रोग्राम। उसके बाद 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार के दिन जश्न ईद मिलादुल नबी भी है। उस रोज़ पहला प्रोग्राम दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन आगरा रोड पर शेख रशीद साहब के हाथों गरीब गुरबा मसाकिन फकरा और माजूरों को तोहफे और तोहफ़ दिए जाएंगे और जुराना का लज़्म रहेगा। उसी रोज़ दूसरा प्रोग्राम अमन पसंद अदारे की जानिब से जो शहीद अब्दुल हमीद रोड पर है शाम 7 बजे आर के पेट्रोल पम्प से लेकर गणेश नगर साठ पीटी रोड तक एक रैली का नज़्म किया गया है। ये नज़्म जो है वो अमन पसंद अदारे की जानिब से किया गया है। और तीसरा प्रोग्राम रात 8 बजे यानी यही रैली जो है वो रात 8 बजे गणेश नगर 60 फीट रोड पर पहुँचेगी, जहाँ पर शेख रशीद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम होगा। और ख़ास बात, इस प्रोग्राम में अमन पसंद अदारे की जानिब से माजूरों के लिए 100 वॉकर, बेवाओं के लिए 100 ड्रेस, बुजुर्गों को पैदल चलने के लिए जो लकड़ी होती है ऐसे 100 लकड़ियाँ, गरीब और गुरबा में 100 राशन किट, ये तमाम चीज़ें शेख रशीद साहब के हाथों तकसीम की जाने वाली है। उसके बाद 10 अक्टूबर बरोज पीर के रोज़ जो प्रोग्राम होने वाला है, पहला प्रोग्राम सुबह 11 बजे खातिन की जानिब से हारून अंसारी हॉस्पिटल में फल फ्रूट की तकसीम होगी। दूसरा प्रोग्राम शाम 5 बजे सलीम मुंशी नगर सकू भाई के मकान के पास शेख रशीद साहब के वजन के बराबर फ्रूट की तकसीम और उनको इस्तकबालिया का प्रोग्राम रहेगा। तीसरा प्रोग्राम 5:30 बजे जूना आज़ाद नगर रफीक साबिक कारपेंटर रफीक पहलवान की ऑफिस के पास शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होगा। चौथा प्रोग्राम शाम 6 बजे चमन नगर मेन रोड फरत मेडिकल के पास शेख रशीद साहब के हाथों निसार भाई राशन वाले की ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है। पांचवा प्रोग्राम उसी रोज़ शाम 6:30 पर गांधीनगर चौक में तुराब सेठ और तमाम वर्कर की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होने वाला है। शाम 6:15 बजे दरमियान में शाम 6:15 बजे अब्दुल रशीद राशन वाले मरहूम इनके फर्जंद काजिम शेख की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया है, जो मौलाना जमाली के मकान के आगे अली वकील के मकान के पास गांधीनगर मेन रोड पर होने वाला है। इस रोज़ वहाँ पर अनाज की तकसीम होगी। सातवा प्रोग्राम जो है शाम 7:00 छठा प्रोग्राम बता रहा हूँ बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे जमूर नाला मस्जिद जैतून अज्जीन, यहाँ पर शेख रशीद साहब के हाथों मदरसे के 40 बच्चों को कपड़े की तकसीम का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और सातवां प्रोग्राम जो है शाम 7 बजे 7:30 पर जियाउल इस्लाम डेपो मेन रोड
गली नंबर एक, यहाँ पर शेख रशीद साहब के हाथों मुजफ्फर गाजी की ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है। आठवां प्रोग्राम जो रात 8 बजे है, उसी जगह के ऊपर केक वजन केक बनाकर हाँ उसी जगह पर जहाँ पर ये मुजफ्फर गाजी की ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है, उसी जगह पर एक मुशर्रफ लंगारी इनकी जानिब से शेख रशीद साहब के हाथों एक बहुत बड़ा केक को काट कर तकसीम किया जाने वाला है। आठवां प्रोग्राम जो है वो रात 8 बजे सैलानी चौक में गुरुवार वार्ड के तमाम नौजवानों और हमदर्दों और जावेद फ्रूट वाले की जानिब से शेख रशीद साहब के वजन के बराबर मिठाइयाँ और वाकर तकसीम की जाएगी। नौवां प्रोग्राम रात 8:30 पर राजा नगर जुबैर राकिल वाले की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होने वाला है। ये हो गए 10 तारीख के प्रोग्राम पीर के रोज़ के। उसके बाद 11 अक्टूबर बरोज मंगल का प्रोग्राम जो है, पहला प्रोग्राम सुबह 11 बजे सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को खातून की जानिब से हाँ फ्रूट तकसीम होने वाला है। बाकी जो प्रोग्राम आ रहे हैं 11 तारीख के, कई लोगों ने, कई अदारों ने, कई कल्बों ने प्रोग्राम मांगा है, हम 1 से 2 रोज में तय करके आप लोगों को इत्तला कर देंगे। उसके बाद 12 अक्टूबर को भी बुध के रोज़ जो है, पहला प्रोग्राम जो है मालेगांव खाटिक समाज की जानिब से बाद नमाज असर खाटिक जमात थाना आगरा रोड पर शेख रशीद साहब का एक इस्तकबाल होने वाला है। उसी रोज़ वार्ड नंबर 20 के बुजुर्गों और नौजवानों की जानिब से हबीब लॉन्स में शाम 7:10 एक शेख रशीद साहब के एजाज में मुशायरे आम होने वाला है। 13 अक्टूबर बरोज जुमेरात पहला प्रोग्राम जो है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के लोटस लॉन्स नौरंग कॉलोनी 100 फीट रोड पर खातिन की जानिब से शेख रशीद साहब के एजाज़ में एक बड़ा इस्तकबालिया तकरीब होने जा रही है। और उस रोज़ और भी प्रोग्राम आए हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। अब 14 अक्टूबर बरोज़ जुमा के दिन जो सबसे अहम प्रोग्राम होने